इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन के बारे में। जब एक डेवलपर डायनामिक पेजेस को क्रिएट करता है, डिजाइनर या डेवलपर्स कह सकते हैं, तो वो टेम्पलेट्स के इंजन को यूज करते हैं ताकि प्रोग्रामिंग के लॉजिक को प्रेजेंटेशन के लॉजिक से अलग रखा जा सके। इसलिए वो क्या करते हैं, इस कोड को स्टोर करने की बजाय वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में और पास कर देते हैं मोनोलिथिक डेटा फाइल को, जिससे टेम्पलेट इंजन जो होता है वो सेग्रीगेटेड हो जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा को, डाटा की जो प्रेजेंटेशन होती है उसको कोड से अलग इवेल्युएट करने में। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन वो तब होता है जब एक यूजर जो है वो अलाउ हो पाता है, यानी उसको परमिशन है अनसेफ इनपुट को इंजेक्ट करने की सर्वर साइड टेम्पलेट में। अगर कोई भी अटैकर किसी सर्वर साइड टेम्पलेट में अनसेफ कोड को इंजेक्ट करता है और ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर वो वल्नरेबिलिटी है और कोई भी अटैकर किसी भी वेबसाइट में सर्वर साइड पे टेम्पलेट में अनसेफ इनपुट को अगर पुट करता है, तो अटैकर क्या कर सकता है, टेम्पलेट पे आर्बिट्री कोड को एग्जीक्यूट करा सकता है और पूरे के पूरे वेब सर्वर का कंट्रोल ले सकता है। ये अटैक भी बिल्कुल XSS की तरह ही है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की परमिशन भी होती है, मतलब आप रिमोट कोड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के अटैक्स को हम बोलते हैं सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन अटैक्स।